नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की वीडियो में लेकर के यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो आप प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और सभी विद्यार्थी जो बिना प्रैक्टिस सेट के अपनी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी एग्जाम में देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। सभी पर ध्यान रखिए, बिना प्रैक्टिस सेट किए कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, कोई भी प्रकाशन का आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको 100% लगाना है। तो आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में 37 प्रश्न हैं जिसका आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो उगादि उत्सव है वो कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो बैंक राष्ट्रीयकरण है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो जो पांड्य शासकों की राजधानी थी वो मदुरई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रोनोकार्ड किसका आयस है? तो जो ग्रोनोकार्ड वो आयस है कैडमियम का। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो किसका है, तो यह है बौद्ध धर्म का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जो लोहे पर जंग लगना वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह राज्य कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मुक्तेश्वर मंदिर वो स्थित है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? तो यह होता है 65%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये आया था 1969। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आर्टविक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आदिवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ में स्थित हुआ था? तो यह कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे ये आपको पता होना चाहिए। सबसे सरल क्वेश्चन है प्रधानमंत्रियों से पूछे जाने, तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षमावाणी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो क्षमावाणी जो त्यौहार है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का तांबो मठ कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर यह स्थित है, तो यह स्थित है हमारे हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो यह शहर है न्यू कैसल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो यह है 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यह संबंधित है अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यह बनी होती है काइटिन की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? तो यह की थी 1884 में।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो कब हुई थी? तो यही थी 1970-71। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो जो मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष कहलाता था नायक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था हमारे लॉर्ड वेलजली के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा है? तो ये कौन सा अंग? तो यह है हृदय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो यह हुई थी शुंग काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका एकमात्र बलित पर्वत है एटलस पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो यह होता है दोगुना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो यह होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द चाइना पैसिफिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जेके गोलब्रोथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस शिलालेख में? तो यह 13वीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त का नियम भी कहलाता है, तो जड़त का नियम क्या कहलाता है? तो जड़त का नियम कहलाता है न्यूटन का प्रथम गति का नियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो यह सदस्य थे 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।